प्यासा में वहीदा रहमान के लिए भी गीता दत्त ने गाने गाए, लेकिन तब उन्हें क्या मालूम था कि कुछ सालों बाद उनके पति गुरुदत्त वहीदा रहमान के इतने करीब आ जाएंगे। जाने क्या तूने कहे, जाने क्या मैंने सुने। गीता दत्त बिना गाए नहीं रह सकती थीं। फिर उन्होंने एक फैसला लिया, बिना गुरुदत्त को बताए। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। आखिर गुरुदत्त शादी और प्यार में से किसी एक को न चुन सके। जानकारों का मानना है कि वो शादी और प्यार के भंवर में ऐसे फंसे कि इससे निकलने के लिए उन्होंने खुद को ही खत्म कर लिया। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी फिल्मों में गायकी के बादशाह मोहम्मद रफी की और गायिका गीता दत्त की, और उन गानों की जिन्हें मोहम्मद रफी और गीता दत्त ने मिलकर गाया। इस एपिसोड में आगे बढ़ें इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि गीता दत्त कौन थीं। दोस्तों, गीता दत्त का नाम पहले गीता राय था। उनका जन्म एक समृद्ध परिवार में 23 नवंबर 1930 को फरीदपुर में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। गीता राय की मां अमिया राय को कविता से प्यार था और नन्ही गीता को गुनगुनाना गाना अच्छा लगता था। गाने में बेटी का मन रमता देख मां बाप ने उनके लिए पंडित हीरेंद्रनाथ चौधरी की नियुक्ति कर दी, जो गीता राय को संगीत की शिक्षा देते थे। समय अपनी गति से बीत रहा था, तभी साल 1942 आया जब बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इस अकाल का प्रभाव राय परिवार पर ऐसा पड़ा कि उन्हें बंगाल छोड़ना पड़ा। परिवार आ बसा बंबई के दादर के एक कॉलोनी में। परिवार से समृद्धि जा चुकी थी, परिवार को अपना गुजर बसर चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। गीता राय की पहली फिल्म थी 1946 में आई भक्त प्रहलाद। इस फिल्म में गीता राय को गाने का मौका दिया था संगीतकार के हनुमान प्रसाद ने। इसके बाद संगीतकार एस डी बर्मन ने गीता दत्त को मौका दिया अपनी फिल्म दो भाई में। संयोग से एस डी बर्मन की फिल्म दो भाई में मोहम्मद रफी भी उनके लिए गा रहे थे। 1947 में आई फिल्म दो भाई में मोहम्मद रफी और गीता दत्त पहली बार एक दूसरे के साथ आए। 1947 से 1950 के बीच गीता राय ने संगीतकार सी रामचंद्र, गुलाम हैदर, ज्ञान दत्त, पंकज मल्लिक और स्वार्तुल क्वात्रा के साथ गाने गाए। इन 3 सालों में उनके कई गाने लोकप्रिय भी हुए। फिर आया साल 1951 और एस डी बर्मन की फिल्म आई बाजी। फिल्म बाजी को डायरेक्ट किया था गुरुदत्त ने। बाजी में एस डी बर्मन ने फिर मौका दिया गीता राय को, और इस बार गीता राय ने गजब का कमाल दिखाया। ऐसे गाया कि चारों तरफ खलबली मच गई। गीता राय ने न सिर्फ अपनी आवाज से बल्कि गाने के अपने अंदाज से भी लोगों को चौंकाया। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। उनके इस गाने का तो तब जलवा ऐसा था कि लोग सिर्फ इस गाने को देखने के लिए सिनेमा हॉल जाते थे। जमाने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। इस फिल्म के गीता राय के दूसरे गाने भी बहुत घातक थे, इतने कि लोग तब अपना दिल थाम लिया करते थे। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, और दिन वाले और भूले भले सोना ना। इस फिल्म की कहानी गुरुदत्त की थी, निर्देशन उन्हीं का था। फिल्म की सफलता का श्रेय गुरुदत्त को भी मिला, लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात हुई वो ये कि इस फिल्म के दौरान गीता राय और गुरुदत्त करीब आ गए। गुरुदत्त और गीता राय एक दूसरे के प्यार में डूब गए। हालांकि तब गुरुदत्त ने सफलता की सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ी थी, लेकिन गीता राय ने उन्हें अपना दिल दे दिया। गीता राय पर तकदीर मेहरबान थी। गुरुदत्त के साथ ये गीता राय के सबसे खूबसूरत दिन थे। किस्मत गीता राय पर मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, ये वो वक्त था जब संगीतकार ओपी नैयर अमृतसर से बंबई आ चुके थे। बतौर संगीतकार उन्होंने अपनी पहली फिल्म आसमान में गीता राय को लिया। फिल्म फ्लॉप हो गई,
लेकिन इस फिल्म में गीता राय के दो गानों को लोगों ने खूब पसंद किया। आसमान के फ्लॉप हो जाने के बाद संगीतकार ओपी नैयर ने अपनी अगली फिल्म छम छमा छम में गीता राय को नहीं लिया, इसमें लिया आशा भोसले को। ओपी नैयर की छम छमा छम भी फ्लॉप हो गई। ओपी नैयर ने इस फिल्म में गीता राय को नहीं लिया था, लेकिन इसके बावजूद गीता राय ने गुरुदत्त की अगली फिल्म बाज के लिए ओपी नैयर का नाम रिकमेंड कर दिया। फिल्म बाज में भी गीता राय ने बेहद खूबसूरत गाने गाए, लेकिन बदकिस्मती से यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई। बाज फ्लॉप हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि गीता राय की सभी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं। उस समय उनकी कई फिल्में धूम मचा रही थीं। ये फिल्में थीं आनंद मठ, जाल, संगदिल और अनारकली। गीता राय की फिल्में हिट हो रही थीं और गीता राय गुरुदत्त के साथ प्यार में आगे बढ़ रही थीं। आखिर दोनों ने 26 मई 1953 में शादी कर ली। गीता राय अब गीता राय से बन गईं गीता दत्त। शादी के बाद गुरुदत्त एक अपनी फिल्म लेकर आए आर पार। इस फिल्म में मोहम्मद रफी ने गीता दत्त के साथ मिलकर कई खूबसूरत गाने गाए। मोहब्बत कर लो भी भर लो, भज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। चार में नजर करूं और फिर हजूर से पास यूं ना आइए बात की दूर से। बाबूजी धीरे चलना, चार में जरा संभलना। गुरुदत्त की फिल्म आर पार को अच्छी सफलता मिली। इस फिल्म ने संगीतकार ओपी नैयर को जीवन दान दिया और उन्होंने अमृतसर लौटने का इरादा त्याग दिया। गीता दत्त और गुरुदत्त के जीवन में अब खुशियां ही खुशियां थीं। ऐसे में 1955 में गीता दत्त की दो फिल्म आई, मुसाफिर खाना और मिस्टर एंड मिसेज 55। मुसाफिर खाना में मोहम्मद रफी और गीता दत्त के इस गाने को देखिए। तेरी अदाही खैरी अपनी तो जान गई। अच्छा जी माफ कर दो, थोड़ा इंसाफ कर दो। अब फिल्म मिस्टर एंड मिसेज 55 में गीता दत्त और मोहम्मद रफी को सुनिए। जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं थक धर गया जी। इसकी अदाओं से मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। गुरुदत्त और गीता दत्त की शादी को अब 2 साल बीत चुके थे, लेकिन दोनों के करियर अलग अलग मकाम पर थे। गीता दत्त के पास काम की कोई कमी नहीं थी, जबकि गुरुदत्त स्ट्रगल कर रहे थे। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ कर नहीं पा रही थीं। तभी कुछ ऐसा हुआ कि गुरुदत्त ने गीता दत्त को दूसरे संगीतकारों या फिल्म निर्माताओं की फिल्मों के लिए गाना गाने से मना कर दिया, चाहे ये संगीतकार उनके दोस्त एसडी बर्मन हो या ओपी नैयर ही क्यों ना हो। गीता दत्त ने गुरुदत्त की बात मान ली, लेकिन गुरुदत्त के इस फैसले ने उनके जीवन को जैसे बांध दिया। कितनी फिल्में थीं गुरुदत्त के पास कि वो गीता दत्त को गाने के लिए देते। उनके जीवन में खालीपन आ गया, उदासी ने घर कर लिया। कुछ समय के लिए वो अपने 3 बच्चों में रम तो गईं, लेकिन थोड़े समय के बाद बिना गाए उनका दम घुटने लगा। फिर उन्होंने वो किया जो शायद ठीक नहीं था। यस्टरडेज मेलोडीज टुडेज मेमोरीज किताब के लेखक मानक प्रेमचंद के अनुसार गीता दत्त गुरुदत्त को बिना बताए उनसे छिपकर गाने के लिए गुपचुप बाहर जाने लगीं। वो सुबह घर से निकलतीं, स्टूडियो में गाने की रिकॉर्डिंग करतीं और शाम को गुरुदत्त के घर लौटने के पहले घर लौट आतीं। इस बीच गुरुदत्त का काम चल पड़ा था और अब वो घर से बाहर व्यस्त रहने लगे थे। गुरुदत्त बाहर रहते और गीता दत्त भी घर के बाहर रहतीं, उन्हें बगैर बताए गाना गातीं। गीता दत्त ने 1956 से 1960 तक ऐसा ही किया। इसी बीच यानी 1956 से 1960 के बीच गुरुदत्त की कई फिल्में आईं। 1956 में गुरुदत्त अपनी एक फिल्म लेकर आए सीआईडी। इस फिल्म में थे देवानंद और शकीला। सीआईडी में पहली बार दिखी खूबसूरत वहीदा रहमान। इस फिल्म में मोहम्मद रफी और गीता राय ने एक बार फिर बेहद खूबसूरत गाने गाए। चोर कैसे गवारा हो गया। 1956 के बाद 1957 में गुरुदत्त फिर एक फिल्म लेकर आए प्यासा। इस फिल्म को वो प्रोड्यूस कर रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे और खुद हीरो की भूमिका में भी थे। फिल्म में संगीत दे रहे थे संगीतकार एसडी बर्मन। हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे,
आश खा कर। प्यासा में मोहम्मद रफी और गीता दत्त का एक बेहद खूबसूरत गाना है। इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दें तो। अब गुरुदत्त के साथ थी वहीदा रहमान, उनकी हीरोइन। इस फिल्म में वहीदा रहमान के लिए भी गीता दत्त ने गाना गाया। जुल्फ शान पे मुड़ी, एक खुशबू सी उड़ी। तब उन्हें नहीं मालूम था कि जिसके लिए वो गाना गा रही हैं, वही वहीदा रहमान आगे चलकर उनके पति के इतने करीब आ जाएंगी। बात कुछ बन गई, जाने क्या तूने कही। प्यासा ने गुरुदत्त को गुरुदत्त बना दिया, दुनिया भर में उनकी चर्चा हो गई। गुरुदत्त एक मास्टर फिल्म मेकर। प्यासा ने गुरुदत्त को मशहूर तो कर दिया था, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस फिल्म के पहले ही गीता दत्त के जीवन में उथल पुथल शुरू हो चुकी थी। इस बीच 1958 में एक फिल्म आई, हावड़ा ब्रिज। इस फिल्म के संगीतकार थे ओपी नैयर। इस फिल्म में गीता दत्त ने एक ऐसा गाना गाया कि लोग उनके दीवाने हो उठे। ये गाना आज भी लोगों को मदहोश कर देता है। मेरा नाम चिं चिं चु, चिं चिं चु, बाबा चिं चिं चु। 1959 में फिल्म लव मैरिज में गीता दत्त ने मोहम्मद रफी के साथ एक और खूबसूरत गाना गाया। दिल से दिल टकराए, फिर दोनों घबराए, सब्र की डोरी टूट गई तो लव मैरिज कर लाए। दोस्तों, गुरुदत्त प्यासा जैसी फिल्म दे चुके थे और गीता दत्त हावड़ा ब्रिज। दोनों अपनी अपनी तरह से करियर में सफलता की सीढ़ियां चढ़े जा रहे थे, लेकिन तब उनके वैवाहिक जीवन में दरार पड़ चुकी थी। गुरुदत्त को ये बात पता चल गई थी कि गीता दत्त उनसे छिपाकर दूसरों के लिए गाना गा रही थी। गीता दत्त का गाना रोक दिया गया, उनका दम फिर से घुटने लगा, उनके जीवन में एक बार फिर उदासी छा गई, मुस्कुराहट चली गई। ऐसे में गुरुदत्त ने गीता दत्त को खुश करने के लिए एक फिल्म की योजना बनाई, नाम रखा गौरी। इस फिल्म में गीता दत्त को लीड रोल में रखा गया। गीता दत्त के मन ने फिर उड़ान भरी, उन्हें अच्छा लगा, आखिर उन्हें एक फिल्म में लीड रोल जो मिल रहा था। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। हुआ ये कि जब वो शूटिंग के सिलसिले में स्टूडियोज में गईं, तो उन्होंने देखा कि उनके पति गुरुदत्त किसी और के प्यार में पड़े हुए हैं। गुस्से में वो सेट से लौटी, फिर कभी गुरुदत्त के करीब नहीं गईं। गुरुदत्त और गीता दत्त के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। गुरुदत्त फिल्मों में व्यस्त रहते और बंबई से 100 किलोमीटर दूर हिल स्टेशन लोनावाला के फार्म हाउस में अपना समय बिताते। गीता दत्त घर में बच्चों के साथ रहती, लेकिन अब गीता दत्त के साथ रहती शराब। उन्होंने शराब को अपना साथी बना लिया था। वक्त और बीता और आखिर शादी और प्यार के बीच फंसे गुरुदत्त ने 9 अक्टूबर 1964 को सुसाइड कर लिया। गीता दत्त का जीवन मुश्किलों में घिर गया, वो बीमार रहने लगी। आखिर 20 जुलाई 1972 को उन्होंने भी बंबई के दक्षिण में स्थित हर किशन दास अस्पताल में अंतिम सांस ली। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।